दुनिया में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली डिस्कवरीज तब हुई हैं जब उन्हें ढूंढा भी नहीं जा रहा था। आज बात करेंगे ऐसे ही कुछ डिस्कवरीज की जिन्हें बाय मिस्टेक ढूंढा गया लेकिन आखिर में वो साबित हुई दुनिया की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डिस्कवरीज। नंबर 10, पिक्टिश एनविल। पिक्टिश लोगों की जनजाति ऐसी जनजाति है जिसके बारे में बहुत ज्यादा डाटा मौजूद नहीं है और सभी लोग काफी कम जानते हैं। पिक्टिश लोगों को रोमन्स द्वारा पिक्टी नाम दिया गया था क्योंकि इनके होने के साक्ष्य पेंटिंग द्वारा मिलते हैं। उत्तरी स्कॉटलैंड में इन पेंटिंग्स को पाया गया था। हालांकि हाल ही में एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला है जो कि पिक्टिश लोगों को खोए हुए लोगों की लिस्ट से बाहर निकाल देगा। राउजी आइलैंड पर मिला ये स्ट्रक्चर तकरीबन 1500 साल पुराना है। इस स्ट्रक्चर की खासियत ये है कि यहाँ पर पर्सनलाइज्ड फिंगरप्रिंट्स देखे जा सकते हैं। इस तरह के फिंगरप्रिंट्स आज से पहले शायद ही दुनिया के किसी भी स्ट्रक्चर में देखे गए होंगे। इस स्ट्रक्चर पर जल्द से जल्द रिसर्च की जा रही है क्योंकि समुद्र इसे बहा कर ले जा सकता है। वैसे अगर इस रिसर्च का कोई नतीजा निकलता है तो पिक्टिश लोग बहुत ज्यादा दिनों तक गुमनाम नहीं रह जाएंगे। नंबर 9, कोन शेप्ड स्कल्स ऑफ मेक्सिको एंड अमेरिका। स्कल्स तो दोस्तों वैसे भी बहुत ज्यादा डरावने होते हैं लेकिन अगर आप इस तरह के स्कल देखें तो आपका क्या रिएक्शन होगा। इस तरह के स्कल मेक्सिको में 2012 में आर्कियोलॉजिस्ट को मिले थे। ओनावा के आइलैंड के पास बने इस कब्रिस्तान में लगभग 25 कब्रें थी जिनमें से अधिकांश के सर इस तरह से पीछे की तरफ निकले हुए थे। जब इनकी एज निकाली गई तब ये तकरीबन 1000 साल पुराने निकले। क्रेनियल डिफॉर्मेशन के तहत सर को इस तरह की शेप दी जाती थी। इस तरह की शेप देने के लिए बचपन से ही सर को दो रबड़ के बीच बांध दिया जाता था और सर ऐसा बन जाता था। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों का सर ऐसा हुआ करता था उन्हें अमीर माना जाता था। नंबर 8, स्कल हेलमेट। दोस्तों हम हेलमेट लगाते हैं ताकि हम अपने सर को किसी भी अनहोनी से बचा सकें। लेकिन क्या आप कभी सर को बचाने के लिए कंकाल का हेलमेट लगाना पसंद करेंगे? ऐसा ही कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को सालांग में देखने को मिला। वहाँ खुदाई के दौरान उन्हें कुछ ऐसे बच्चों का शव मिला जो कि जमीन में दफन था और उनके ऊपर कंकाल का हेलमेट लगा हुआ था। स्टडी में ये पाया गया कि जब उनके सर पर ये कंकाल लगाया गया तब उसके ऊपर मांस लगा हुआ था, यानी कि किसी और का सर किसी और के सर पर। ये काफी ज्यादा डरावना और काफी ज्यादा हैरान करने वाला तो है ही। साथ ही जब आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि ये सब बलि देने के पर्पस से किया जा रहा था तब तो उनके होश ही उड़ गए। हालांकि अभी तक इसका पर्पस सामने नहीं आया है। ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि ये मरने के बाद बच्चों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा हो, जो कि बलि जितना ही लॉजिकलेस है। नंबर 7, एंशियंट इजिप्शियन वर्कशॉप एंड ममीज। इजिप्ट में वैली ऑफ किंग्स नाम की एक जगह है जहाँ पर अक्सर फैरो की कब्र पाई जाती है। साल 2019 में भी यहाँ दो मम्मी मिली। हालांकि उनके साथ हैरान कर देने वाली बात ये थी कि कोई नहीं जानता कि वो किसकी मम्मी थी और आर्कियोलॉजिस्ट ने उन दोनों के साथ कुछ और भी ढूंढा जो कि उतना ही हैरान करने वाला था। ये एक वर्कशॉप थी। वर्कशॉप यानी कि वो जगह जहाँ पर मम्मी को बांधा जाता था और मकबरे को अंदर से डिजाइन करने के लिए सामान बनाया जाता था। 3300 साल पुरानी इस वर्कशॉप में काफी कुछ ढूंढा गया है जो कि हैरान कर देने वाला है। इसमें संदूक में भरे हुए कई सारी अलग अलग तरह की सब्जियां मिली हैं, जिनसे लाश को सड़ने से बचाया जाता था और कई सारा डेटा लिखा हुआ मिला है जिसे डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि वैली ऑफ किंग्स में इजिप्ट के सारे राज दफन हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वैली ऑफ किंग्स को हम पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लेंगे। नंबर 6, गिगांटिया माल्टा। गोजो के मेडिटेरेनियन आइलैंड पर हाल ही में एक मेगालिथिक मंदिर ढूंढा गया है जो कि हूबहू इजिप्ट के पिरामिड से मिलता जुलता है। इस मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर दो टावर्स हैं जो कि काफी हैरान करने वाले हैं। दोनों ही टावर नियोलिथिक एज में बने हैं और 3600 और 2500 साल पुराने हैं। जी हाँ, इन दोनों के बीच में 1100 सालों का अंतर है। हालांकि इस मंदिर का ना तो अभी तक कोई पर्पस सामने आया है और ना ही इन्हें बनाने वाले। जब ये मंदिर बना तब तक माल्टा में औजारों और पहियों का परिचय नहीं हुआ था, इसलिए कहा जा सकता है कि इसे बनाने में काफी मुश्किलें आई होंगी। यहाँ की लोकल जनजातियों का मानना है कि इसे जायंट लोगों द्वारा बनाया गया था। हालांकि सच क्या है कोई नहीं जानता। नंबर 5, एंशियंट पैलेस। साल 2019 में खुदाई के दौरान मिस्र के एबिडोस में आर्कियोलॉजिस्ट को एक एंशियंट पैलेस मिला जो कि रामसेस 2 टेंपल से जुड़ता है।
कैरो से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एबिडोस एक वक्त पर शाही घराने की राजधानियों में से एक हुआ करता था और यहाँ पर कई सारे फराहों के मकबरे भी हैं। हालांकि अब यहाँ पर केवल खंडर ही बचे हैं, जिनमें से एक ये ढूंढा गया पैलेस भी है। ये पैलेस आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान करने वाला है, क्योंकि ये एक मंदिर के बगल में मिला है और एक मंदिर के बगल में मिलने के कारण ये माना जा रहा है कि ये एक रॉयल पैलेस हो सकता है। हालांकि ये किस फैरोह का पैलेस रहा होगा और यहाँ कौन राज करता होगा, इस बारे में रिसर्च की जा रही है और शायद जल्द ही हमें इसका जवाब भी मिल जाए। नंबर 4, लॉस्ट इजरायली सिटी। साल 2019 में इजराइल के टेल अविव में एक नया रोड बनने जा रहा था और तभी वहां वर्कर्स को कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें हैरान कर दिया। ये एक पुराने शहर का खंडर था, 100 या 200 साल पुराना नहीं बल्कि पूरे 5000 साल पुराना शहर। ब्रॉन्ज एज में बना ये शहर पूरे 6000 लोगों का घर हुआ करता था और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यहाँ की बनावट देखकर कहा जा सकता है कि ये अपने समय का न्यूयॉर्क रहा होगा। इस शहर में काफी कुछ ऐसा मिला जो कि ब्रॉन्ज एज के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को बताता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसी शहर के नीचे एक और शहर पाया गया जो कि 7000 साल पुराना था। अब उस पर रिसर्च की जा रही है। इस रिसर्च का निष्कर्ष दुनिया के इतिहास को एक नया मोड़ दे सकता है। नंबर 3, न्यू ह्यूमन स्पीशीज। फिलीपींस में एक गुफा में खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को एक अजीब तरह का स्केलेटन मिला जो कि था तो इंसानों के जैसा ही, लेकिन वो इंसानों का स्केलेटन नहीं था। होमिनिन स्पीशीज लोगों का ये स्केलेटन लगभग 1 से 1.25 मीटर के बीच का था। उनकी लंबाई अधिकतम इतनी ही हुआ करती थी। इंसानों के क्लोज रिलेटिव होमिनिन चल फिर भी लिया करते थे। हालांकि 50,000 साल पहले के इन स्केलेटन्स ने सभी को हैरान कर दिया है, क्योंकि सबसे पहले तो ये स्केलेटन पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए गए हैं और दूसरा ये कि इनका जिक्र बहुत ज्यादा जगह नहीं मौजूद, यानी कि ये बिल्कुल नई खोज है और इस पर की जा रही रिसर्च का अगर कोई ठीक कंक्लूजन निकलता है तो शायद ह्यूमन एवोल्यूशन की बुक में कुछ चैप्टर और जुड़ जाएं। ऑस्ट्रेलिया की जिस टीम ने इन कंकालों को ढूंढा उन्हें इनसे बहुत उम्मीदें हैं। नंबर 2, ममीफाइड इजिप्शियन प्रीस्ट। इजिप्ट में रोजाना ही नई नई डिस्कवरी होती रहती है जो की वहाँ पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। ऐसी ही एक डिस्कवरी हाल ही में हुई जब लग्जर में 30 नई ममी की तलाश की गई। हालांकि हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये ममी किसी पैरोहा या राजा के रिलेटिव की नहीं थी बल्कि पुजारियों की थी। ये तकरीबन 3000 साल पुरानी ममी थी। इसमें अधिकांश पुरुष थे, 5 महिलाएं थी और 2 बच्चे मौजूद थे। जब इन्हें ढूंढा गया तब रिसर्च की गई कि ये किन की ममी है और ये पता चला कि ये पुजारियों की ममी है। ये पुजारियों का एक समूह था जो कि एक साथ ही रहा करता था। ममियों को ढूंढने के बाद उन्हें कैरो भेज दिया गया है जहां उन्हें साफ करके प्रिजर्व किया जाएगा। हालांकि ये हैरान करने वाली बात है कि इन मम्मी के अंदर मौजूद लाशें भी अब तक प्रिजर्व्ड हालत में हैं। नंबर 1, एंशियंट डायनासोर एग्स। दोस्तों जरा सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हो और चलते चलते आपके पैरों से कुछ टकरा जाए। जब आप इसे उठाकर देखें तो ये 66 मिलियन साल पुराना डायनासोर का अंडा निकले। इसे ढूंढने के बाद आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ चाइना में 10 साल के एक लड़के के साथ। ये लड़का डोंग रिवर के किनारे पर रेत में कुछ पत्थर ढूंढ रहा था जो कि शेप में हो और वो उन्हें अपने घर ले जा सके, और तभी उसे ये एग मिला। उन एग्स को देखते ही तुरंत उस लड़के की माँ ने आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया और वहाँ पर उन्हें इसी तरह के 9 और एग मिले। ये सभी एग 66 मिलियन साल पुराने थे। 15-15 इंच के ये एग उस समय के थे जब डायनासोर बिल्कुल खत्म ही होने वाले थे। उस बच्चे की इस खोज के बाद पूरे इलाके में खुदाई की गई और 17,000 से भी ज्यादा एग वहां पर मिले। ये हैरानी की बात है कि ऐसा माना जाता था कि चाइना में इस जगह पर कभी डायनासोर नहीं हुआ करते थे। इस तरह की हर खोज डायनासोर के इतिहास में एक नया चैप्टर जोड़ देती है। तो दोस्तों ये थी कुछ हैरान कर देने वाली डिस्कवरीज। अगर आप भी हुए हों हैरान तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।